अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो जाहिर सी बात है कि आप सोचते हैं गाड़ियों के बारे में, रिलायबल, फ्यूल एफिशिएंट एंड मॉडर्न कार्स। बट क्या आपको पता है यही कंपनी बनाती है कमर्शियल पिकअप? जी हाँ, ये है मारुति सुजुकी सुपर कैरी LCV, यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल। 6 साल पहले ये इंडियन मार्केट में आई थी। 1 लाख से ऊपर इसके हैप्पी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, और इस वीडियो के अंदर हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। इसका डिज़ाइन, लोड कैरी कैपेसिटी, इसकी इंजन परफॉर्मेंस, इसके इंटीरियर्स, प्राइसिंग एंड बाकी सारे फीचर्स। अब जो सुपर कैरी है, ये एक छोटा LCV वाहन है, ये छोटे कमर्शियल पिकअप कैटेगरी के अंदर आता है। काफ़ी सारा कंपटीशन है, बट ये डिज़ाइन को लेके अपना एक यूनिक ऑफरिंग आपको देता है। 2 कलर ऑप्शंस है, एक वाइट वाला जो आप इस टाइम पे देख रहे हैं वीडियो के अंदर, और एक सिल्वर ऑप्शन भी आती है जो कस्टमर्स ले सकते हैं। CNG वाहन है ये वाला, तो उसमें CNG ब्रांडिंग इज़ वेरी वेरी एविडेंट। आपको CNG ब्रांडिंग यहाँ मिलती है हेडलाइट के ऊपर, एंड साइड पे जो डोर्स हैं, डोर्स के ऊपर भी CNG का आपको ब्रांडिंग मिलता है। इसी के साथ सुपर कैरी कम्स इन ओवर हेयर, अच्छी खासी बड़ी ब्रांडिंग है, यू कैन नॉट मिस दिस। इसका इंजन ग्रिल के पीछे नहीं है, इंजन सीट के नीचे है, तभी जो इसकी ग्रिल है वो कम्प्लीटली शट है, और ये इसको एक क्लीन नीट लुक देती है। साइड प्रोफाइल पे, बिकॉज इंजन सीट के नीचे है, आपके यहाँ पे इंजन कूलिंग फिन्स आते हैं, दोनों साइड पे हैं, तो जब गाड़ी चलती है कहीं ना कहीं यहाँ से अंदर इंजन पे डायरेक्ट हवा आती है। डोर के पीछे इसका एक्चुअल काम शुरू होता है। 7.2 फीट लंबा इसका डाला है, एंड ऑफिशियली कंपनी कहती है कि आप इस पे 625 किलो का लोड लीगली ले सकते हैं। 13 इंच के इसमें चक्के मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, एंड एक इसकी खूबी ये है कि जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो मैकफर्सन स्ट्रट है। यूजुअली ये चीज़ आपको गाड़ियों के अंदर मिलती है, बिकॉज इससे आपको कम्फर्ट फैक्टर मिलता है, बट ये एक यूनिक चीज़ है जो इसको एक अलग कम्फर्टेबल, इसको एक ओपिनियन फैक्टर देता है। तो आगे आपको मिलते हैं मैकफर्सन स्ट्रट फीचर। ऑफकोर्स आपको ये पट्टियाँ मिलती हैं, बिकॉज लोड होना है तो पट्टियाँ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख सकते हैं इस टाइम पे इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेगमेंट की वन ऑफ द बिगेस्ट है। गाड़ी काफ़ी ऊंची है ज़मीन से, तो कच्चे रास्ते पे जहाँ पे रोड ठीक नहीं है, चाहे आपका पूरा लोड है, गाड़ी कहीं पे छूने वाला चांस नहीं हो सकता। एक और यूनिक चीज़ है गाड़ी के अंदर, सुपर कैरी के अंदर, कि आपको 5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। जी हाँ, ये बहुत यूनिक चीज़ है, बाकी गाड़ियाँ नहीं देती। अगर आप एक छोटा कमर्शियल वाहन ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर देखिए कि उसके अंदर आपको इमरजेंसी के लिए पेट्रोल टंकी हो जो आपकी इस तरफ है। तो 5 लीटर का इमरजेंसी पेट्रोल है, कहीं आप फंस जाते हैं, CNG खत्म हो जाता है, तो 5 लीटर से आप 60-70 किलोमीटर जा सकते हैं। CNG भरने के लिए यहाँ पे आता है। 6 किलो के इसमें 2 टैंक्स हैं। अगर आप गाड़ी को आराम से चलाते हैं, लोड के साथ भी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हाईवे स्पीड्स पे 200-225 किलोमीटर गाड़ी CNG पे ज़रूर जाएगी। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, जिसको रियर पे अगर आप आते हैं, आपके पास रियर पार्किंग सेंसर हैं, 1, 2, 3, 4 सेंसर हैं, और इसको डाले को खोलने के लिए ये बहुत ही आसान है। कई बार आपको धक्का मारना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, खोलना और इसको वापस बंद करना काफ़ी आसान है। इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब गाड़ी खड़ी हुई है, चल नहीं रही, तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मगर गाड़ी चलते ही दिखाता हूँ मैं आपको, एक यूटर्न है यहाँ पे, हम यूटर्न लेंगे, एंड चलते ही गाड़ी जैसे पहुँचती है 5 या 10 की स्पीड पे, स्टीयरिंग का जो एफर्ट है वो कम हो जाता है। ये आया हमारा U-turn, and immediately जो आपको effort करना है steering पे वो कम हो जाता है। Now, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आगे आपको मिलते हैं मैकफर्सन स्ट्रट और पीछे पटिया हैं। आगे मैकफर्सन स्ट्रट की वजह से आपका जो comfort है, ride quality है, जब खड्डों में से गाड़ी निकलती है वो बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर आप
30-40-50 पे जा रहे हैं, गाड़ी में लोड नहीं है, आराम से पांचवें गियर में आइए 40-45 पे। कंफर्ट, इंजन का जो स्मूथनेस है, वाइब्रेशंस बहुत ही कम है, ये सब कुछ आपको खुश रखने वाला है, एक गाड़ी वाला एहसास देने वाला है। काफी ओनर्स, काफी ड्राइवर भाई लोग जो ऐसी गाड़ियां लेते हैं वो अपने सिर्फ बिजनेस के लिए गाड़ी नहीं लेते बट अपनी फैमिली के लिए भी लेते हैं या हर रोज की ट्रैवलिंग के लिए भी लेते हैं। एंड इस मायने में जो इंजन है, जिसकी स्मूथनेस है, आपका स्टीयरिंग का एफर्ट है, ब्रेक्स बहुत अच्छी है, ये सब कुछ आपको एक अच्छा अनुभव देने वाला है जो आप गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे हर रोज सालों के लिए। ये वही इंजन है जो मारुति बहुत सालों से इको गाड़ी के अंदर दे रही है, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल सीएनजी मोटर। रिलायबिलिटी के लिए ये इंजन जाना जाता है। और अगर बात करूं पावर की तो सीएनजी मोड में आपको मिलते हैं 65 bhp और जो टॉर्क है वो मिलता है 85 nm टॉर्क। एक 5-speed गियरबॉक्स है एंड नई गाड़ी होने के बावजूद मैं इसको सुबह से गाड़ी को चला रहा हूँ और जो इसके गियरबॉक्स की जो शिफ्ट है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्लच भी इतना भारी नहीं है, गियरबॉक्स की स्मूथनेस से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। और जो गियर लीवर की पोजिशनिंग है वो यहाँ दी गई है जो काफ़ी आपके हाथ में ईजिली बैठ जाती है। तो ये लंबे रास्ते में शहर के अंदर आप गाड़ी को बहुत चला रहे हैं, गियर चेंजेस कर रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं होने वाली। दूसरी बात, ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है जो ट्रैफिक के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो लाजवाब है। विंड स्क्रीन बहुत ऊंचा है, मेरी लेवल से बहुत नीचे तक विंड स्क्रीन आता है। पीछे भी मेरे पास ग्लास खोलने की सुविधा है हवा के लिए। जो साइड पे विंडोज़ हैं वो बड़ी हैं तो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस गाड़ी से खुश हूँ। ट्रैफिक के अंदर जब आसपास बहुत गाड़ियाँ आती हैं, बाइक वाले आते हैं, तो आपको उसमें कोई चिंता नहीं होने वाली। इंजन सीट के नीचे है बट कंपनी का दावा है कि ये स्पेशल सीटें हैं, हीट रेजिस्टेंट सीटें हैं जो इंश्योर करती है कि इंजन की जो गर्मी है वो आप तक इतने आराम से ना पहुंचे। एक ही आपको वर्जन मिलता है और इस सेगमेंट के अंदर कुछ चीज़ें आपको कोई भी गाड़ी नहीं देती, इसके अंदर भी नहीं है। एसी नहीं है, पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर विंडोज़ नहीं है, मगर उसके अलावा जो आपके सामान रखने की जगह है, एक यहाँ पर ओपन एरिया है, साइड पर ओपन एरिया है, राइट साइड पर स्टीयरिंग के नीचे है, ऑडियो सिस्टम वाले बॉक्स के नीचे जगह दी गई है, यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर है गियर लीवर के आगे। तो ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर आप हर रोज़ गाड़ी में 5-6 घंटे लगाते हैं तो आपकी छोटी मोटी चीज़ें रखने की सुविधा बहुत है। ग्लव बॉक्स भी है जो लॉकेबल है चाबी के साथ। गाड़ी में आने के लिए यहाँ पे ग्रैब रेल दी गई है जो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो गाड़ी के अंदर आना और उतरना काफ़ी आसान है। सीटिंग पोस्चर मैं बोलूँगा, अगर आप मेरी तरह लंबे हैं, चौड़े हैं, 6 feet की अगर आपकी हाइट है तो आपको थोड़ा टाइटनेस महसूस होने वाली है, मगर आप मुझसे अगर आप हाइट में छोटे हैं और आपकी बॉडी का फ्रेम थोड़ा छोटा है मुझसे, तो अंदर आपको स्पेस के लिए कोई चिंता नहीं होने वाली। प्रॉपर 2-seater है, यहाँ पे आपको आपकी सीट बेल्ट मिलती है। इसकी टॉप स्पीड जरूर लॉक्ड है 80 की स्पीड पर बट परफॉर्मेंस जबरदस्त है। उदाहरण के तौर पे दूसरे गियर में हूं और 30, 40, 50, 60, सो परफॉर्मेंस जरूर अच्छी है। बट जी हाँ, गवर्नमेंट कहती है कि कमर्शियल गाड़ियों की टॉप स्पीड लिमिट रहेगी, तो वो भी इसकी लिमिट है, 80 को जाके लॉक आता है और 80 की स्पीड आप तीसरे गियर के अंदर भी आराम से पकड़ लेते हैं। बट जैसी सुई 80 पहुंचती है वहां पे आके इसका लॉक हो जाता है जो अभी 70 और ये हुआ लॉक। टर्निंग गाड़ी की बहुत ही टाइट है और ये टर्निंग आपको चाहिए होती है। गलियां में आप जाएंगे, सामान दे जाएंगे, पतली सड़क है, ट्रैफिक है, तो टाइट टर्निंग होना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे भी लंबे टर्न्स के ऊपर गाड़ी की जो पकड़ है वो अच्छी रहती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे लगता है कि गाड़ी झूल रही है या आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक कस्टमर को, एक ड्राइवर को इस गाड़ी के साथ आपको एक अच्छा एहसास, अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। 5,53,000 रुपये एक शोरूम डेली, ये इस गाड़ी की कीमत है। और इसके अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलती है और फैक्ट्री फिटेड आपको पीछे डाला मिलता है। 6
6 सालों में कंपनी ने इसके 1 लाख यूनिट्स बेचे हैं एंड जो मारुति सुजुकी कमर्शियल का जो नेटवर्क है इंडिया में वो फैलता जा रहा है एवरी सिंगल मंथ। सो अगर आप मार्केट में हैं एक छोटी लाइट वेट पेट्रोल सीएनजी कमर्शियल पिकअप गाड़ी के लिए तो इस गाड़ी को सुपर कैरी को आप ज़रूर देखना। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मेरे ख्याल से इसका इंजन है, इसका दिल है, इसका हार्ट है। 1200cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस बेस्ट है एंड ऑफ कोर्स रिलायबल भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे बड़ी गाड़ी की है तो हमने कुछ महीने पहले हमने किया था महिंद्रा बलेरो 1.7T बड़ा बलेरो, उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे लाइव है, उसका लिंक करंटली है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर और स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है 1.7 तक की आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है 625 किलो का पेलोड है और इस प्राइसिंग के अंदर है तो ये गाड़ी हाईली रिकमेंडेड है।